Good morning, students. Today we will start chapter number 1 of English of 3rd standard, and the name of first chapter is Puppy in the Well. First of all, we will share our some ideas कि हम दूसरों को कैसे help कर सकते हैं. तो देखो, first क्या है? First है a baby bird that has fallen out of his nest. मतलब कि एक बेबी बर्ड है जो अपने घोंसले में से गिर गया है, हम उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं. अ ग्रोन बर्ड दैट हैज हर्ट इट्स विंग्स, एक पक्षी है जिसके पंख पूरे कट गए हैं, तो हम उसको हेल्प कैसे कर सकते हैं. थर्ड वन, एन एनिमल दैट हैज हैड एन एक्सीडेंट, मतलब एक एनिमल है जिसका एक्सीडेंट हो गया है, हम उसको हेल्प कैसे कर सकते हैं. अ किटन दैट इज स्टक इन अ ट्री, एक बिल्ली का बच्चा जो ऊपर फंस गया है पेड़ के ऊपर, हम उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं. एंड नाउ वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर पप्पी इन द वेल. सी, सिक्स यील्ड सतीश, यील्ड मतलब टू शाउट वेरी लाउडली, सतीश जोर से चिल्लाता है कि 6 बज गए हैं. द बॉल फ्लू ऑफ हिज बैट, बॉल उसके बैट में लग के दूर कहीं जाके गिर गया. इट वेंट हाई इन द एयर, देन इट फेल इन टू एन ओल्ड वेल नियर बाय, और वो कहाँ जाके गिरा, एक कुआ बाजू में था पुराना, उसमें जाके गिर गया. ओ नो मॉन्ट रजनी, मॉन्ट का मतलब है टू मेक अ लो साउंड बिकॉज यू आर इन पेन वेरी सैड और एक्सेट्रा. तो रजनी जोर से चिल्लाती है कि क्या हुआ, हु वॉज द बॉलर, मतलब बॉलर कौन था. Why did you hit it there? वो पूछती है कि तुमने इतना दूर तक क्यों मारा. Listen, said Dilip. Dilip बोलता है सुनो. From the well came the sound of barking. उस कुएं में से एक कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही है. The children rushed to the well and looked in. सारे बच्चे कुएं की तरफ दौड़ने लगे और देखने लगे कि उसके अंदर क्या है. At the bottom there was only wet mud and some plants. कुएं के एकदम गहराई में नीचे थोड़े बहुत पेड़ पौधे थे और मिट्टी थी, और उसके बीच में क्या थी, एक पप्पी थी जो फंस गई थी. शी वॉज लुकिंग अप द चिल्ड्रन एंड बार्किंग, वो कुएं के ऊपर बच्चे खड़े थे उनको देख रही थी और भौंक रही थी. पुअर थिंग, सेड रजनी, रजनी ने बोला ओ नो ये क्या हो गया है, बहुत खराब हुआ है इसके साथ. हाउ कैन वी हेल्प हर, हम उसको हेल्प कैसे कर सकते हैं. वी नीड अ लैडर टू गो डाउन, सेड दिलीप. तो दिलीप क्या बोलता है, हमें एक सीढ़ी की ज़रूरत है उस तक पहुँचने के लिए. लैडर मीन्स सीढ़ी. सतीश सो एन ओल्ड बकेट एंड अ रोप लाइंग बाय द वेल, सतीश ने क्या देखा, एक पुरानी बकेट है वहाँ परी है और एक रोप, रोप मतलब रस्सी जो वहाँ पे कुएं के बाजू में परी है. आई हैव एन आइडिया, सतीश बोलता है मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है. इसे लेट्स ब्रिंग द पप्पी अप इन द बकेट, हम लोग उस पप्पी को उस बकेट के अंदर डाल के लेके आ सकते हैं. गुड, सेड दिलीप, दिलीप बोलता है बहुत अच्छा. बट हु विल पुट द पप्पी इन द बकेट, लेकिन उस पप्पी को बकेट के अंदर डालेगा कौन. द चिल्ड्रन थॉट फॉर अ वाइल, बच्चे थोड़ी देर सोच में लग गए कि हाँ हम उस पप्पी को कैसे बचाएंगे, कैसे ऊपर लेके आएंगे, बकेट को कैसे अंदर डालेंगे, वो थोड़ा काम मुश्किल है, लेकिन हम उसको कैसे करेंगे और कैसे पप्पी ऊपर आएगा, ये लोग से सोचने लग गए. आई हैव सम बिस्किट, सेड रजनी, रजनी क्या बोलती है, मेरे पास थोड़े बहुत बिस्किट्स हैं, हम उसको बिस्किट्स दे सकते हैं. टेकिंग देम आउट ऑफ हर पॉकेट, वो अपने पॉकेट में से उस बिस्किट्स को निकालती है. लेट्स पुट देम इन द बकेट, वो बोलती है हम उस बकेट के अंदर उस बिस्किट को डाल देते हैं. द पप्पी मे गो फॉर देम, अगर पप्पी को वो बिस्किट्स खाने होंगे तो वो बकेट के अंदर खुद ही चल के जाएगी. सतीश हग्ड हिज सिस्टर, मतलब सतीश अपने बहन को गले लगाता है क्योंकि रजनी सतीश की बहन थी. दैट्स क्लेवर, ही सेड, बोलता है बहुत अच्छा, ये तो बहुत चतुराई वाला काम है बोला. लेट सी इफ द प्लान वर्क्स, हम देखते हैं क्या ये प्लान काम करता है तुम्हारा. दिलीप पिक्ड अप द ओल्ड बकेट, दिलीप ने क्या किया, एक पुरानी बकेट को उसने उठाया वहाँ से जो साइड में पड़ी थी. ही शुक आउट द रबिश फ्रॉम इट, रबिश मीन्स वेस्ट मटेरियल, उसने पूरा रबिश जो खराब चीज़ें थी, कचरा था, वो उस बकेट में से उसने निकाल के फेंक दिया.
सतीश पुल्ड एट द ओल्ड रोप. सतीश पुल्ड उसने सतीश ने उस बकेट में उस पुरानी रस्सी को बांध के उस बकेट को कुएं के अंदर फेंका. इट्स स्टिल स्ट्रांग. वो बोल सतीश बोलता है कि रस्सी अभी भी बहुत ही मजबूत है, हम उसको डाल सकते हैं अंदर. ही से रजनी पुट द बिस्किट्स इन द बकेट. रजनी ने क्या किया, अपने सारे बिस्किट्स उस बकेट के अंदर डाल दिए. द चिल्ड्रन रोवर्ड द बकेट टू द बॉटम ऑफ द वेल. फिर बच्चों ने क्या किया, उस बकेट को बिस्किट्स को डाल के उस बकेट के अंदर उस बकेट को कुएं में फेंक दिया. देन सतीश शुक द रोप एंड बकेट फेल ऑन इट्स साइड. सतीश ने क्या किया, उस रस्सी से उसको फेंका और बकेट कुएं में साइड में जाके गिर गया. द पपी बार्क एट द बकेट ऑन द मर्ड फ्लोर. पपी उस बकेट को देख के वापस से भौंकने लगी. बट शी स्मेल द बिस्किट्स एंड बिकम इंटरेस्टेड. लेकिन जब उसने बिस्किट्स को स्मेल किया, बिस्किट्स की स्मेल आने लगी उसको, तो वो उसको बहुत इंटरेस्ट आ गया उसमें. फर्स्ट शी पुट हर नोज इन टू द बकेट. पहले उसने अपनी नाक बकेट के अंदर डाली. देन हर फ्रंट पोज. फ्रंट पोज मीन्स उसके आगे के पैर उसने डाले. देन हर हेड. फिर उसने अपना सर उसके अंदर डाला. नाउ शाउटेड सतीश. ये सब हो जाने के बाद सतीश जोर से बोलता है कि अब द थ्री चिल्ड्रन पुल्ड द रोप एंड वेरी सरप्राइज पपी टिप्ड इन टू द बकेट. जैसे ही चिल्ड्रंस ने मीन्स बच्चों ने उस रोप को थोड़ा बहुत हिलाया तो पपी उस बकेट में जाके बैठ गई. इन लेस देन अ मिनट द पपी वॉज अप अमॉन्ग द चिल्ड्रन. थोड़ी ही मिनटों में वो पपी उस बकेट में बैठ के उसकी मदद से बच्चों के पास ऊपर पहुंच गई. शी वॉज कोल्ड एंड शेकिंग. उसको ठंडी लग रही थी और वो पूरी कांप रही थी क्योंकि कुएं के अंदर गीली मिट्टी थी और वो गीली मिट्टी में बहुत समय तक बैठी थी. रजनी हेल्ड हर. यू विल बी फाइन शी सेड. रजनी ने उसको पकड़ लिया और बोल दिया तुम जल्दी ठीक हो जाओगी. नॉट बैड सेड सतीश. वी लॉस्ट अ बॉल एंड फाउंड अ पपी. सतीश बोलता है कोई बात नहीं, क्या हुआ, बॉल खो गया तो हमने एक पपी की जान बचा ली, हमें एक अच्छा सा प्यारा सा पपी मिल गया. ठीक है, दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर एंड नाउ लेट अस सी द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. See, first of all, we will see the meanings of this chapter. First meaning, yield. Yield means chillana, to shout very loudly. Mourn means very sad, bahut hi udas hona. Rubbish. Rubbish means kachra, waste material. Interested means wanting to know or hear more about something or somebody. Next question is, let's read and find facts, okay? And first question is, what were the children doing at the start of the story? मतलब कि बच्चे स्टोरी के स्टार्टिंग में क्या कर रहे थे. At the start of story, the three children were playing cricket. तीनों बच्चे क्या कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे. Second one, what happened to their ball? उनकी बॉल को क्या हुआ. देयर बॉल फेल इन टू अ वेल नियर बाय. उनका बॉल एक कुएं में जाके गिर गया. वॉट वॉज एट द बॉटम ऑफ द वेल. कुएं की अंत में क्या था, गहराई में. देयर वॉज अ पप्पी एट द बॉटम ऑफ द वेल. एक पप्पी थी. हुज आइडिया वॉज इट टू ब्रिंग द पप्पी अप इन द बकेट. किसका आइडिया था पप्पी को बकेट के अंदर डाल के ऊपर लेके आने का. इट वॉज सतीश आइडिया टू ब्रिंग द पप्पी अप इन द बकेट. इसका आइडिया था सतीश का. वॉट वॉज रजनीस आइडिया इन द प्लान. रजनी का आइडिया क्या था इस प्लान में. रजनीस आइडिया वॉज दैट दे कुड पुट द बिस्किट शी हैड इन टू द बकेट सो द पप्पी मे गेट इन टू द बकेट टू इट बिस्किट. मतलब उसके पास जो बिस्किट्स थे वो उस बकेट के अंदर डाल देते हैं तो पप्पी उस बकेट को ले बकेट के पास जाएगा उस बिस्किट्स को लेने के लिए और खुद ही बकेट के अंदर बैठ जाएगा. सिक्स्थ वन,
What did the puppy do when the bucket lay at the bottom of the bucket? At first, the puppy barked at the bucket, but then she smelled the biscuits and became interested. पहले तो उसने biscuits को नहीं देखा, इसलिए bucket को सिर्फ देखा और भौंकने लगी. लेकिन फिर उसने biscuits को देखा और biscuits में की smell आने लगी, इसलिए उसको बहुत interest आने लगा. What did Satish shout? Now, what happened after that? Satish ने now ऐसा करके क्यों चिल्लाया और उसके बाद क्या हुआ? Satish shouted now, so the children could start pulling the rope. Satish ने now क्यों चिल्लाया? मतलब वो सारे बच्चों को ये बोलना चाहता था कि अब तुम लोग उस रस्सी को खींचना स्टार्ट करो. And in last, puppy tipped into the bucket and puppy came out. और लास्ट में क्या हुआ? Puppy उस bucket के अंदर बैठ गई और ऊपर उन्होंने उसको खींच लिया. What was the puppy well? The puppy was cold and shaking. नहीं, पप्पी ठीक नहीं थी, उसको ठंडी लग रही थी और वो पूरा कांप रही थी. Now, second question. Let's read between the lines. Who's the first? Why did the children rush to the well? मतलब बच्चे भाग के कुएं के पास क्यों गए? Because they heard the sound of barking coming from the well. उन्होंने किसी की आवाज़ उसमें से आते देखा, कुएं में से किसी कुत्ते की आवाज़ उन्होंने सुनी. हाउ डू यू थिंक द पप्पी फेल इन टू द वेल? तुम्हें क्या लगता है पप्पी वेल के अंदर क्यों गिर गया होगा? द पप्पी फेल इन टू द वेल बाय एक्सीडेंट. वो मतलब गलती से उसके अंदर गिर गया होगा. वाई डू यू थिंक अ बकेट एंड अ रोप वेर लाइंग नियर द ओल्ड वेल? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि एक बकेट और वो पुरानी रस्सी उधर कुएं के पास पड़ी थी? Because people may have used them to draw water from the well before. क्योंकि थोड़े सालों पहले वहाँ पे जो इंसान रहते थे उन्होंने शायद पानी को खींचने के लिए वो वहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए रखा होगा. Was Satish disappointed that they had lost the ball? क्या सतीश उदास था कि उन्होंने अपना बॉल खो दिया? No. Satish thought that losing a ball and finding a puppy was not bad. Satish क्या बोलता है? नहीं, खराब नहीं था. बॉल खो गया तो क्या हुआ, लेकिन हमने एक पप्पी की जान बचा ली. Do you think the children kept the puppy? Save why? तुम्हें लगता है कि उन बच्चों ने उस पप्पी को अपने पास रखा होगा? Yes. मतलब हाँ, उन्होंने रखा होगा. Because they were very happy to rescue the puppy from the well. क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे उस पप्पी की जान बचा के, और उनको वो पप्पी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने उसको अपने पास रख लिया. ओके, सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट ऑल दिस क्वेश्चन आंसर्स इन योर पेन नोटबुक. डू नॉट वर्क एनी रफली. ओके,